प्रधानमंत्री है उसने कहा था 15 करोड़ आ जाएंगे आगे, कोई 2 करोड़ नौकरी करते आगे दे दी उन्होंने, तो सबके वादे तो वादे होते हैं, करे तो काम भी करे। लेकिन 370 हटाई, राम मंदिर बन रहा, 3 तलाक हटाया, मोदी है तो सब कुछ है। हाँ। क्या क्या मोदी है तो सब, 15 लाख नहीं मिला, नहीं 15 लाख सारी गरीबों को राशन, अच्छा गरीबों को 15 लाख की बारी कहाँ गई, 15 लाख ये तो 2 करोड़ कहाँ गए, जो लूट का खा जो पैसा यहाँ आ जाए तो 15 लाख रूपए बोलने का आजादी किसने दी तुझे, बोलने का आजादी किसने, हम अपने आप दी किसने दी, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों का उसमें शपथ ली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अब संत अब चोद। हमारी जो चुनावी कवरेज है इस समय हम कदमपुरी वार्ड में है, तो हम लोग आम जनता के बीच में जाते हैं और पता करते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, कुछ परिवर्तन की हो रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, तो लोगों से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश वशिष्ठ। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है? माहौल जो है परिवर्तन का है जी। क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है इस बार? सरकार तो नहीं कह सकते, मिलीजुली बन सकती है वैसे। हाँ। किसी अकेले नहीं बनेगी सरकार, अकेले नहीं। मतलब एक तरह से गठबंधन की सरकार एमसीडी में। हाँ, गठबंधन की सरकार। देखिए मतलब जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो अब एक नया चीज आता है कि गठबंधन की भी सरकार बन सकती है, कौन कौन मिलकर बना सकती है सरकार? सरकार दोनों मिलकर बना सकते हैं जी, कांग्रेस भी बना सकते हैं, राम भी मिलकर बना सकते हैं। कांग्रेस मिलेगी कोई, उससे तो कोई मिलना नहीं चाहता, बताते हैं कि डूबती जा रही है हर जगह। ऐसी कोई बात नहीं, हम हमारे यहाँ से जो है टक्कर है ना। हाँ। कांग्रेस ने हमारे एक निर्दलीय है सुनील वशिष्ठ, अच्छा रेखा वशिष्ठ। हाँ। और बीजेपी की टक्कर है, तो सभी जगह ऐसा ही है। हाँ। सभी वार्ड में अलग अलग। लेकिन ये बताइए क्यों ये आरोप लगता है हमेशा से कि हर जगह नैया डूबोती जा रहे हैं अपनी? कौन जी? कांग्रेस की हर जगह से क्यों? बस अब इतना बड़ा देश है अपना, बस 2 राज्य में बचे हैं। नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वैसे आपस की थोड़ी सी आपस मेरे जो नहीं चल रहा ठीक ठाक सही साहब साहब। अरे तो कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अच्छे काम किए उसने। शीला दीक्षित ने हमारे यहाँ जो काम किए किसी ने आज तक किए ही नहीं वैसे। अच्छा, शीला दीक्षित के अब तक भी उसी पर चल रहा हूँ। हाँ, अरे ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है ये बात। लेकिन इस दौर में जब आप बताते हैं गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इस दौर में एक तरह से आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, बताती है कि हम मुफ्त की चीज़ें इतनी देंगे उन लोगों को, वो लोग बस हमारे साथ रहेंगे, हमारे समर्थक हैं सभी लोग और हम जीतने जा रहे हैं, दावा ठोकती है। अजी मुफ्त की तो सभी कहे हैं, कांग्रेस वाले भी कहें मुफ्त की, जो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और आप वाले भी कह रहे हैं। अब बात तो अब मुख्य प्रधानमंत्री है उसने कहा था 15 करोड़ आ जाएंगे आगे, कोई 2 करोड़ नौकरी करते आगे कोई दे दी उन्होंने, तो सबके वादे तो वादे होते हैं। ये कुछ बात नहीं, ये बताते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो कूड़े का पहाड़ भी हटा देंगे। वो ये भी कह रहे हटे नहीं भाई, एमसीडी में सरकार जो थी जी बीजेपी की थी, तो अब तो घट गए ऐसे भैर तीनों जगह ऐसी हैं, गाजीपुर में भी हमारे तीनों जगह ऐसी हैं, हटे नहीं कहीं भी। अब ये भी कह रहे बीजेपी वाले हम बैठा देंगे, आप पढ़े भी कह रहे हैं हम बैठा देंगे, कांग्रेस वाले भी कह हम बैठा देंगे। देश में जब भी चुनाव होता है तो महागठबंधन का दावा ठोका जाता है, लेकिन जब करीब जाते हैं हम लोग पता चलता है महागठबंधन टूट गया, सब इधर उधर हो जाते हैं। फिर से जब बिहार की सियासत गर्म होती है तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि महागठबंधन होगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। ममता बनर्जी बोलती है हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे, फिर आपने बताया कि दिल्ली में जब हो रहा है अभी एमसीडी का, तो हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बनेंगे। फिर एमसीडी में कभी ऐसा नहीं कहा मैंने मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अभी आपने बताया ना कि एमसीडी में गठबंधन होने जा रहा है। नहीं, गठबंधन बाद की चीज़ बता रहा, मैं पहले थोड़ा ही बता रहा हूँ। हाँ, चुनाव जीतने के बाद बता रहा हूँ, पहले काम पहले कब बताया मैंने, पहले दिन बताया मैं, बाद की बता परिणाम आने के बाद गठबंधन हो जाएगा। जैसे एक दफा पहले बनी थी सरकार। हाँ। कांग्रेस की और आपकी बनी थी जब 28,000 को उनके 10 उनके बनी सरकार, ऐसे की संभावनाएं बढ़ सकती है। वैसे कुछ निर्दलीय मिल जाएंगे, कुछ कांग्रेस वाले मिल जाएं, बीजेपी सरकार ना बने। अच्छा, इस समय जो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का, लगता है उससे कुछ असर पड़ेगा यहाँ पे भी? असर जरूर पड़ेगा जी, इतनी भीड़ हम कभी नहीं देखी, हम भी बुढ़े हो जाते। अच्छा, हाँ, हमारे 84-85 साल इतनी भीड़ देखी जितनी भीड़ की थी अब चल जाता। अच्छा, कोई अगर आपसे कोई एक शब्द पूछे, एक शब्द कोई पूछे आपसे केजरीवाल के लिए, तो क्या बोलेंगे आप? केजरीवाल सही तो काम कर, पैसा देता नहीं, बकवास करे नहीं। अब लिंटर माफिया बहुत ज़्यादा हो गए हर कॉलोनी में। अजय तो चलता ही पहले चलता है, लेटर चलता है। ये माना जाए जब बनेंगे आप लोग जीत जाएंगे तो गठबंधन जब बनेगी फिर से लेंटर माफिया दूर हो जाएंगे? लेंटर माफिया तो दूर कभी है ना हो। हाँ। इसमें हाँ भारतवर्ष में कोई कहने लगा या खत्म हो जाए रिश्वत कोई तो कभी हो सकती है। हाँ। ये तो कहीं कभी नहीं हो सकती, वैसे ये तो चलती रहेगी।
एक तरह से एक नया चीज़ सुनने को मिला। जब आप गली मोहल्ले में जाते हैं तो हर लोगों की अपनी राय होती है, तो बताया जाता है, बता रहे हैं यहाँ के लोग बताते हैं, अगर हम जीतते हैं उसके बाद गठबंधन की भी हो सकती है कि उसकी बारी आ जाए। एक नई नई चीज़ें, नई नई रहस्य खुल के आती हैं, तो लोगों की राय है, लोगों की राजनीति है इसमें। क्या नाम पड़ेगा आपका? ओमवीर सिंह। क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल? भाजपा की सरकार बनेगी एमसीडी में? एमसीडी में पक्का? पक्की बात आ रही है सरकार पक्का? लेकिन बताते हैं कि वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बस बात बताते हैं, वादे करें तो काम भी करें। लेकिन 370 हटाई, राम मंदिर बन रहा, तीन तलाक हटाया, अच्छा तीन तलाक हटाया, अच्छा 15 लाख कहाँ दे दिया? सुने, ये 15 लाख मांग रहे हैं। अरे हमने तो देश लूटा, हमें बोलते 15 लाख, 15 लाख नहीं मिला, बताते 15 लाख नहीं मिला आपको। और मोदी है तो सब कुछ है। क्या क्या मोदी है तो सब, बताते 15 लाख नहीं मिला आपको? नहीं, 15 लाख सारी गरीबों को राशन, अच्छा गरीबों को 15 लाख की बारी कहाँ गई? 15 लाख आपका, ये तो 2 करोड़ कहाँ गए? जो लूट का खा, जो पैसा यहाँ आ जाए तो 15 लाख रुपए बोलने का आजादी किसने दी तुझे? बोलने का आजादी किसने? हम अपने आप दी, किसने दी? अंग्रेजों के गुलाम रहे वे, अंग्रेजों का उसमें शपथ ली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब संत, अब 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, जब से आजाद है देश, देश आजाद है। पहले देश कहाँ था? इधर आइए देश बताते हैं। जब 14 में मोदी जी फ्री में दे रहा है रात, उसके देखो ना खाद ये सामान कितना महंगा हो गया। अडानी पहले कुछ नहीं था इंडिया के अंदर, ऐसे समर्थक मिलते बताते 2014 के बाद अब देश आजाद हुआ है, देश अब आजाद हुआ है। बकवास है सब चीज, ये बकवास है। ये पर देखो अडानी आज किसी भी नंबर पर नहीं था, इतनी महंगाई कर दी उसने। गैस देखो कितनी, सीएनजी कितनी महंगी हो गई है। तो ये चोरों की सरकार, ये ऐसे ही करेंगे लोग। जब सवाल किया जाता है भाजपा समर्थक से तो पतली गली से निकल लेते हैं, अभी सामना नहीं कर पाए। कई सारे सवाल थे उनके समर्थक, अभी कई लोग थे उनसे कुछ सवाल अब भी करते, लेकिन वो निकल पड़े, बताते हैं कि देश अब आजाद हुआ है। कांग्रेस ने कितनी कुर्बानियां दी है, देखते रहिए।